जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज मैं आपको ईरानी वास्तुकला पर हखामनी प्रभाव था या नहीं, इस पर जो मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसके आगे जो है आज मैं बताऊंगी कि मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव था या नहीं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल सर ने खंडन करके अपने तर्क स्थापित किए, उसी क्रम में आगे है अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर ईरानी स्तंभों पर निर्मित घंटे का भी अनुकरण कहा गया है। इसे भी मौर्य स्तंभों के शीर्षक का भ्रमावलोकन ही कह सकते हैं। यदि सूक्ष्मता से मौर्य शासक शासक या उनका अध्ययन किया जाए तो तथा कथित घंटे के किनारे किनारे उभरा हुआ भाग पद्म पंखुड़ियों की भांति है, जो किसी ईरानी घंटे में प्राप्त नहीं होता। डॉक्टर अग्रवाल ने इसे पूर्ण घट पल्लव कहा है। घट के कंठ की मेखला तथा उसके नीचे चौकी एवं घंटे की आकृति में कोई साम्य नहीं है। अशोक स्तंभों पर अवांग मुख पद्म पुष्प प्रतीत होता है, जो कलश से निर्मित है। इसी प्रकार के मंगल कलश तो भारतीय साहित्य में वैदिक युग से ही प्रख्यात है। इस प्रकार के कलश मौर्य काल में कोई नवीन नहीं थे, वो तो वैदिक काल से ही प्रख्यात है, चले आ रहे हैं, प्रचलन में। इन्हें ईरानी घंटा स्वीकार करना अशोक स्तंभों के शीर्षकों का अध्ययन दोष कह सकते हैं। ये अध्ययन दोष हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये पूर्णतः भारतीय कलश है, भारतीय घंटा शीर्ष है, जो वैदिक काल से ही है। मौर्य स्तंभों एवं हखामनी स्तंभों के सूक्ष्म निरीक्षण से अनेक भिन्नताएं स्पष्ट होती हैं। जैसे पाटलिपुत्र के राज प्रासाद के स्तंभों पर कोई पशु शीर्षक नहीं, जबकि पर्सी पोलिश के महल के स्तंभों पर पशु शीर्षक स्थित है। दूसरा, ईरानी स्तंभों को या तो घंटाकृति या सादे वृत्ताकार चौकी पर रखा गया है, किंतु मौर्य स्तंभों का कोई अधिष्ठान नहीं है। ईरानी स्तंभों के आधार एवं शीर्ष की घंटाकृति एक ही भांति है, जिससे एक भिन्न प्रकार का सौंदर्य बोध होता है। तीसरा, ईरानी स्तंभों की घंटे तथा स्तंभों के तथा कथित घंटों की आकृतियों में भिन्नता है। ईरानी घंटों के ऊपर तो पंखुड़ियों की आकृतियों में भी भिन्नता है, जो उसकी पंखुड़ियां हैं वो भी अलग अलग। ईरानी घंटों के ऊपर पंखुड़ियां अंकित हैं, किंतु मध्य का भाग उभरा हुआ नहीं है। तथाकथित मौर्य घंटे के मध्य का किंचित निकला अंश ही इसे पल्लव युक्त घट मानने के लिए बाध्य करता है। चौथा, मौर्य स्तंभ यष्टि पूर्णतः एकाश्मक है, ये एक ही पत्थर से निर्मित है, जबकि ईरानी स्तंभों को मंडलाकार खंडों को जोड़कर बनाया गया है। पांचवा, ईरानी स्तंभ खारेदार या कोणदार है, किंतु मौर्य स्तंभ यष्टि पूर्णतः सादी है, उस पर कोई अलंकरण नहीं। छठा, ईरानी स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृतियों के नीचे ताड़ पत्रों का अंकन है, वृषभ या सिंह के मुख माना, किंतु किसी भी मौर्य स्तंभ शीर्षक पर
पुरुष की आकृति नहीं प्राप्त होती है। सातवां, ईरानी स्तंभों का प्रयोग अधिकांशतः विशाल भवनों में किया गया है, किंतु अशोक ने स्वतंत्र स्थापना की जो अशोक के सौम्य जीवन के प्रतीक है। मौर्य स्तंभ जो है वो स्वतंत्र रूप से स्थापित और ईरानी स्तंभ वो विशाल भवनों के अंदर है। इस प्रकार ईरानी एवं मौर्य स्तंभों में पर्याप्त विभिन्नताओं के आधार पर मौर्य वास्तु को ईरानी वास्तुकला का अनुकरण मात्र कहना निरर्थक होगा। साथ ही यूनानी शासकों के साथ मौर्यों के सौहार्दपूर्ण राजनयिक संबंधों तथा मौर्य एवं ईरानी कला में अनेक समानताओं के आधार पर दोनों को पूर्णतः असंबद्ध भी नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर कुमार स्वामी ने ईरानी एवं मौर्य कला की समानताओं पर विचार करते हुए यह कहा है कि भारतीय एवं ईरानी आर्य मूलतः एक स्थान से संबद्ध थे, इसलिए उनकी परंपराओं में अनेक समानताएं उपलब्ध होती। कला के क्षेत्र में भी यही तथ्य दृष्टिगत होता है। अधिक संभव यह प्रतीत होता है कि जो भारतीय वास्तु परंपरा वैदिक युग से विकसित हो रही थी, यवनों के संपर्क से ईरानी वास्तुकला के सामीप्य में उसे प्रभावित नहीं तो प्रोत्साहित अवश्य किया होगा। डॉक्टर कुमार स्वामी का यह मत है कि भारतीय आर्य और ईरानी आर्य संबद्ध थे, तो हो सकता है कि उनकी कला में भी कुछ समानता हो। उन्होंने भारतीय आर्यों ने अनुकरण नहीं किया वहां की कला का, लेकिन कुछ न कुछ प्रोत्साहन जरूर मिला। डॉक्टर एस के सरस्वती ने ठीक ही लिखा है कि मौर्य स्तंभों को हखामनी स्तंभों का अंधानुकरण नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्र रूपेण स्थित मौर्य स्तंभ एक स्वतंत्र विचार के द्योतक हैं, जो साधारण एवं नैसर्गिक अवधारणा का निर्माण करते हैं। इनसे मौर्य शक्ति एवं गरिमा ही परिलक्षित है। ये विद्वानों के विचार थे जो मौर्य वास्तुकला को ईरानी प्रभाव से युक्त मानते हैं, और कुछ विद्वान जिसमें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इसको भारतीय परंपरा के अंतर्गत ही निर्मित माना और इसे ही उन्होंने अपने तर्क के आधार पर उत्खनन के पर साबित भी किया है कि मौर्य वास्तुकला विशुद्ध भारतीय है। ठीक है, तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा और ये आज पूर्ण भी हो गया, मौर्य वास्तुकला पर विदेशी प्रभाव था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।